है ना, जैसे किसी आदमी को कहीं आपने भेजा हो और जिसके वहां भेजा हो वो जरा कहीं उसको तस्लीम करने में लय तो लाल करे, तो आप कहेंगे अल्लाह जानते हो मैंने भेजा है मैंने, बोलते हो नहीं बोलते? ये बोल दो यार, मैं तो मुश्किल से बोल रहा हूँ, बीमार तो मैं हूँ, आप तो नहीं बीमार यार, तो आप कहते हैं मैंने भेजा था मैंने, क्या मतलब? उसकी अहमियत तो समझो, वो हम मैं भी सही लेकिन मेरी अहमियत तो तुम्हारे सामने है ना, है? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ना नहनो, हमने नाजिल किया है, किसी और ने नहीं नाजिल किया। और वो ये जो हमने कह के अपनी तरफ मुतवज्जह करा रहा है आपको, वो क्यों? अबे नादानो, हमको तो समझो पहले, हमारी कुदरत को तो देखो। ये कहना तो बहुत आसान है कि असातीरुल अवलीन है, ये पुराना किस्सा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो किसी आदमी से सीखते हैं, किसी जिन से सीखते हैं, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जहोश में आओ, मैंने ये कुरान नाजिल किया मैंने, और मेरी कुदरत बहरहाल तुम्हें तस्लीम है, मेरी कुदरत बहरहाल तुम्हें तस्लीम है, मैं कादिर अल इतलाक हूं। तो जब मैंने नाजिल किया तो मेरा कलाम है वो, तो मैं अपनी बात की हिफाजत तो एक कमजोर इंसान भी करता है, अपनी बात को आदमी भी नहीं जाने देता यार, है? तो अल्लाह तबारक वताला अपने कलाम को जाया होने देगा? अरे हम और आप हो तो हमारी और आपकी बात ही क्या है, इधर से उधर हो जाएगी, हमसे ज्यादा जबरदस्त कोई भी लगा बदवा देगा, लेकिन अल्लाह तबारक वताला कादिर अल इतलाक है, और ये कलाम उस कादिर अल इतलाक का है, उस रब्बुल आलमीन का है, इसलिए इस कलाम पर कोई कलाम गालिब आ ही नहीं सकता, और जब कोई कलाम इस पर गालिब नहीं आएगा तो इसे दुनिया से मिटाया भी नहीं जा सकता। इसलिए एक मिसाल देता हूं, एक जगह और एक आयत में आया है, قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक बुरहान आया है, और बुरहान कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअंजलना अलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम पर एक नूर मुबीन नाजिल फरमाया, यानी कुरान मुकद्दस, ये नूर है ना। हवा तेज चल रही है, लेकिन मक्के में भी हवा बड़ी तेज थी, मुखालिफ थी, बड़ी तूफानी हवा थी, तो आंधी जब चल रही हो तो उस आंधी में और उस तूफान में अगर आप एक चिराग जलाएं, एक चिराग जलाएं, और एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर आपको ले जाना हो, आगन है इस कमरे से उस कमरे में आपको जाना, हवा तेज चल रही, आप बताइए कि उस चिराग को कैसे ले जाएंगे? भाई आपने चिराग जलाया है ना, अब उस कमरे में कैसे लेके जाएंगे? आधी चल रही हवा तेज है, लौ थर थरा रही है, यार अब असल में बिजली का जमाना है इसलिए नहीं समझ पा रही, असल में जब उस चिराग को लेके चलेंगे आप और हवा लगेगी देखेंगे कि हवा इधर से आने चाहिए, या खुद घूम जाएंगे, है ना? अपने ऊपर हवा का खतरा आप ले लेंगे, लेकिन चिराग को बुझने नहीं देंगे, अपनी हद तक मुकम्मल आप कोशिश करेंगे, है ना? करेंगे या नहीं करेंगे? मुकम्मल तौर पर आप कोशिश करेंगे, इधर से हवा आ रही है तो इधर हाथ कर रहे हैं, उधर से हवा आ रही है तो उधर से रोक रहे हैं, जब देखते हैं कि हवा का जोर जरा कुछ ज्यादा हो गया है
तो आप अपना रुख उसकी तरफ कर देते हैं और पीछा कर देते हैं ताकि हवा का सारा थपेड़ा मेरे मोढ़े पर आ जाए, मेरी पुश्त पर आ जाए, लेकिन इस जनाब की लौ को कोई नुकसान न पहुंचे। होता है ना, बात समझ आ गई ना। अब बताइए आप, परवरदिगार आलम ने एक चिराग रोशन फरमाया है इस दुनिया में, एक अपना नूर रोशन फरमाया है और चारों तरफ से तूफानी हवाएं उसको घेरे हुए, उसे बुझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बुझने देगा नहीं ना, बुझने देगा। जहां जहां वो नूर जाएगा वहां वहां परवरदिगार आलम की रहमत साथ में होगी और हर तरफ से उसको घेरे रहेगी, कहीं से कोई नुकसान न पहुंचने पाए, है ना। इसीलिए एक जगह और परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू व मनवालहू ने इरशाद फरमाया है कि ये काफिर चाहते हैं कि मेरी जलाई हुई शमा को फूंक मार के मुझे ये चाहते हैं कि मेरे नूर को अल्लाह के नूर को फूंक मार करके बुझा दे। वल्लाहु युतिम्मु नूरिहि वलव करिहल काफिरून, और परवरदिगार आलम यह फैसला फरमा चुका है कि अपने नूर को बुझने नहीं देगा। अब लड़ाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की और कुफ्फाराने मक्का की नहीं है, अब लड़ाई बराह रास्त परवरदिगार आलम से है। वो कादिर अलैहि इत्लाब, तो उसने फरमाया कि वही तीन मनूर ही वलम करी हल्का करू, परवरदिगार आलम अपने नूर को मुकम्मल करके छोड़ेगा। बुरा लगता है काफिरों को तो बुरा लगता रहे, तो देखा आपने। अब वो अपने नूर की कैसे हिफाजत फरमाता है, कदम कदम पर उसकी हिफाजत हो रही है। हिफाजत का तरीका देखिए जरा, कैसे हिफाजत हो रही है। यहिया इब्ने हकम एक बहुत बड़ा शायर और बहुत बड़ा अदीब है स्पेन का, बहुत बड़ा अदीब था, वो खुद अपना वाकया बयान करता है। उसने कहा कि मैंने एक बार जरा सोचा कि रोजा कुल हुवल्लाह की सूरत जो है इसका जवाब मैं नहीं, आखिर मैं भी तो कभी हूं, मैं भी तो साहिब ज़बान हूं, मैं भी तो शेर के नशेब व फराज को समझता हूं। तो मैंने ये ख्याल मेरे दिल में आया और जैसे ही ख्याल को पुख्ता करके मैं एक तरफ गोशे में बैठा ताकि मैं अब इस पर कुछ लिखूं या कुछ सोचूं कुछ कहूं, तो अचानक मेरे अंदर एक लर्जा तारी हो गया और इतना शदीद लर्जा तारी हुआ, उसके बाद एक ऐसी हैबत तारी हो गई कि मैंने तौबा कर लिया कि परवरदिगार आलम ये तेरा कलाम हक है, मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसका जवाब दे सकूं। कुरान को लोगों ने बहुत जाय करने की कोशिश की, दुनिया से खत्म करने की कोशिश की गई है, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, हमेशा से है, आज भी है और कयामत तक रहेगा। कतई इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस कुरान पर पहले यकीन तामिल है ना, यकीन आया ना, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ। हमने वही कुरान सुना है जो आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, जिसे जिब्रील ने पढ़ पढ़ के सुनाया था और सरवर कायनात ने भी सुनाया था। इसमें कोई दो बात नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, असल में मेरे भाई बात यह है कि इस्लाम की तमाम तर बुनियाद यकीनियात पर है और बड़ी बदनसीबी हमारी ये है कि आज हमारी कौम इसी फलसफे को नहीं समझ पा रही है, तो कदम कदम पर मुठोकर खा रही है। इस्लाम ने जितने भी अहकाम सादिर फरमाए हैं उसमें से कोई भी हुक्म जन्नियात पर या गुमान पर
नहीं अंदाजे पर नहीं है बल्कि सारे अहकाम यकीनियात पर है। यकीन ही का नाम दूसरा ईमान है समझ। अगर शक हो तो ईमान ही नहीं। इसीलिए एक जगह देखिए दूसरी पढ़ ली اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا بات سے بات نکلتی جا رہی بڑی ضروری ہوتی چلی جا رہی اور ظاہر متن تقریر کرنے کے لائق ہوں اس موڈ میں خیر کچھ تھوڑی بہت باتیں میں بتاتا چل رہا ہوں بس انتظار کر رہا ہوں کہ مولانا نظر آمے اور مل کر دوں सीधी बात है। किसी बात अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी सेहत जो है जाने की इजाजत नहीं दे रही वरना अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को मैं घंटा दो घंटा बोल देता और फिर अगर कभी वक्त ने इजाजत दी अगर हमारी आपकी मुश्किल हो गई कि एक सेकंड तो ठीक रहता इंशाल्लाह जी मैं तो फिर बता रहे हैं मुलाकात कर मुझे शायद याद नहीं है। तो देखिए एक दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की जहां तमाम सिफतें बयान फरमाई है एक सिफत और बयान फरमाई बड़ी मशहूर आयत है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी ए हुजूर ए महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा। बरहा अपनी शायद पर हमसे भी और उलमा से भी तकरीरें सुनी होगी लेकिन आज मैं जिस गोशे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं शायद उधर अब भी आपका ध्यान नहीं गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फरमाया कि आप शाहिद हैं गवाह और गवाही का ताल्लुक देखने से होता है और देखने के बाद यकीन हासिल होता। देखिए बात कितनी ही आदमी सच्चा हो कैसी ही कहे किसी के कहने पर कोई बात मान लेना और है और देख के मानना और है फर्क है ना दोनों में। रसूल को इसीलिए शाहिद बताया गया ताकि दुनिया ये समझ ले कि रसूल जो तुमसे कह रहे हैं वो सब देखी खाली चीजें कह रहे हैं उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं कि जिसमें कोई तरद्दुद और शक किया जाए। बात समझ आ रही है मतलब यह है कि अब रसूल जो कुछ भी तुमसे कहे अब आंख बंद करके तुम यकीन कर सकते हो कि ये चूंकि रसूल ने कहा है तो अंदाजे से नहीं कहा है किसी से सुन के नहीं कहा है देख के कहा है। उन्होंने कहा अल्लाह माबूद है वो रब्बुल आलमीन है वही है जो लायक सजदा है तो हमने यकीन कर लिया है दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरे रसूल ने कहा है कि माबूद वो है तो हमारे नजदीक वही माबूद है। इसलिए कि रसूल ने देख के कहा क्यों देख के हम कहते हैं कि देख के कहा इसलिए कि अल्लाह ने उनको बताया वो शाहिद है और शाहिद शाहिद हो ही नहीं सकता जब तक वो देखे ना। आप जाइए ना कहीं गवाह बन करके किसी कचहरी में गवाही देने जाइए और कहे भाई जिस वक्त ये दोनों लड़ाई कर रहे थे तो तुमने देखा था नहीं हुजूर मैंने देखा तो नहीं था मैंने सुना था कि लड़ रहे थे तो कबूल हो जाएगी आपकी गवाही नहीं ना। गवाही होती ही है वही मकबूल जो देखी भाली हो और रसूल को शाहिद अल्लाह तबारक व ताला ने जो करार दिया है वो हमारे लिए बताना मकसूद था उसे कि मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों जब तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ रहे हो तो ये यकीन रखो कि तुम मेरा रसूल जो तुमसे कहेगा वो देखी भाली बात कहेगा वो यकीन के साथ कहेगा और ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि हमें उन मसाइल पर यकीन कामिल हो कहीं तरद्दुद में हम न पड़ जाए। इसलिए कि जब तक यकीन हमको हासिल नहीं होगा
न हमारी नमाज कबूल होगी, न हमारा रोजा कबूल होगा, न हमारा हज कबूल होगा, न हमारी कोई नेकी कबूल होगी। रखते रहिए पूरे रमजान पर रोजा और सोचे यार आया तो है हदीस में कि वो इसी सुबह से शाम तक रोजा रखो तो अल्लाह ताला ये सवाब दे रहे, मरेंगे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं ये रोजा होगा नहीं होगा। जो काम करो यकीन के साथ। अरे यहां तक यकीन की का अंदाजा तो इससे आप लगाओ कि इस्लाम में यकीनियात किस। अच्छा एक बात आगे मैं सवेरा करता चलो, अगर ये बात तल्ख हो ना तो उसे आप बर्दाश्त कर जाइए, लेकिन यह कि मैं अपना दीनी फरीजा समझता हूं। आजकल ये जो ईद बकरीद का झगड़ा चलता है, सभी कहते हैं ना आप लोग कि भाई ऑब्जर्वेटरी बहुत हो गई तो काहे ना उस पर अमल किया जाए। अब मुझे ईमान की बात बताओ, कितनी बातें मेरी सुनने के बाद, क्या ऑब्जर्वेटरी हिसाब ही तो है ना, देखी भाली चीज तो नहीं है ना, है अंदाजा है ना। इस्लाम का कोई जब मसला ही अंदाजे पर नहीं है तो उसको काहे को गसीब के ला रहे हो यार। बोलो, जब कोई मसला नहीं है वहां अंदाजे वाला, सब यकीनियात पर सबकी बुनियाद रखी गई है, तो ये चांद की बुनियाद आप क्यों नहीं यकीनियात पर रखते। और एक फलसफा बता दूं, आप कहते हैं कि मियां बादल रहता है तो मैं एक बात सुनू, तो गुलाम अपने आका का फरमा बरदार अगर हो तो नुकसान हो भी जाए तो वो गुनहगार नहीं माना जाता। नहीं समझे, अपने आका की वफादारी में अगर कोई नुकसान भी उससे हो जाए, मतलब उसके आका ने कहा कि फला चीज वहां रख दो, हालांकि वो जानता है कि अगर वहां रख दूंगा तो वो जाया हो जाएगा, मगर आका ने कहा नहीं रखो तुम, उसने रख दिया, जाया हो गई चीज। अच्छा ईमान की बात बताओ, वो गुलाम मुजरिम होगा नहीं ना, है वो मुजरिम नहीं ना हुआ, अगरचे चीज जाया गई लेकिन मुजरिम इसलिए नहीं हुआ है कि अपने आका की फरमा बरदारी उसने की है। मैं कहता हूं मुसलमानों कहां चला गया तुम्हारा ईमान, सोचना तुम्हें चाहिए कि ईद चाहे कल हो चाहे परसों हो, रसूल ने जिस दिन कहा है उस दिन अगर तुम करोगे तो तुम्हारी ईद यहां भी मकबूल होगी और वहां भी मकबूल होगी, लेकिन जब उनसे हट के तुम करोगे तो लाख चांद को होता रहे ऑब्जर्वेटरी बताती रहे ना यहां तुम्हारी ईद कबूल होगी ना वहां होगी। हमेशा याद रखो मेरे दोस्तों, उलमा से जंग करना इतना आसान नहीं है जो आम उलझ पड़ते हैं कि नहीं ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी। समझने की कोशिश करो, अपनी नमाजों को न बर्बाद करो, अपने रोजों को न बर्बाद करो। मेरे रसूल ने यूं ही नहीं फरमाया। अच्छा एक बात बताओ, रसूल ने कहा जहन्नम है मान लिया आपने, जन्नत है मान लिया आपने, नमाज पढ़ो मान लिया आपने, रोजा रखो मान लिया, जितने सब अहकाम करते गए सब तस्लीम आप करते गए, एक चांद ही का मसला था जिसमें रसूल माजल्ला गलत हो गए हैं, है? बोलो जरा, और अपने दिल से पूछो मेरी बातों पर मत यकीन करो, दिल पर हाथ रखकर सोचो क्या रसूल ने यही गलती की है और कहीं गलती नहीं उनसे हुई है। अगर ये है तो ईमान का जायजा लो मेरे भाई, अपने ईमान को देखो, इतना आसान नहीं है कह देना। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, मैं कहां से कहां निकल गया, रोशनी पड़ी। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम की बुनियाद यकीनियात पर है और इसके सारे आमाल भी यकीनियात पर है और इस्लाम पर अमल करने की जजा भी सारी यकीनियात पर है। जहां तजलजुल पैदा होगा, जहां यकीन मफकूद हो जाएगा, जहां यकीन खत्म हो जाएगा, वहां किसी भी अमल पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए गालिबन इससे पहले भी कभी मैंने आप लोगों को कहा होगा किसी मजलिस में, मैं अक्सर किसी मौजू पर मैं गुफ्तगू करता रहा हूं लेकिन मैं मौजू से हट के सही इतना जरूर अपनी कौम को बताता हूं ताकि कम से कम वो अपने आमाल तो जाये न करें, वो मौजू से हटी हुई बात क्यों ना हो। आज तो कर मौजू ही है, वही वो ये
आपने बेशुमार उलमा से सुना होगा और अहादीस में आप देखें तो आएगा कि रमजान मुबारक का महीना है, बिलखसूस आखिरी अशरा है, इसकी ताक रातों में शब कद्र को तलाश करना चाहिए, शब कद्र हजार रातों से बेहतर होती है और तमाम उसके फजाइल उलमा से आप सुनते रहते हैं ना। और ये भी कि इस रात को आदमी इबादत करे, रियाजत करे, तौबा करे, अल्लाह तबारक ताला से मफरत तलब करे तो अल्लाह ताला उसे माफ करवा दे। लेकिन खाली खोली ऐसे माता माफी की मांगने से नहीं माफी होती। मैं माफ करिए और मौलवी के तरीके से आपकी वाहवाही की खातिर मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा कि आप बहुत नवाजी हो गए हैं, वाह वाह पूरे रमजान हो, नहीं पूरे रमजान आपके इबादत की, सुभान अल्लाह आपको मुबारकबाद, मुबारकबाद के मुस्तहिक उस वक्त आप होंगे जब आपके ये सजदे कबूल भी हो जाए, है ना। सुनो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया है, उदउ इलैहि, उदउ इलैहि व अंतुम मूकिनून बिल इजाबत, तुम उससे मांगो मगर इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ आपको ले जा रहा हूं। पहले इस बात का यकीन दिल में पैदा कर लो। हदीस ये बता रही है कि पहले अपने दिल में इस बात का यकीन पैदा कर लो कि मैं जो मांग रहा हूं वो पा रहा हूं, जो मैं उससे मांगूंगा वो पाऊंगा, और उसके बाद फिर उससे मांगो, फिर कैसे नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहा है? हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना। और अभी मैं कह चुका हूं कि रसूल ने जो कुछ फरमाया है वो देख के फरमाया है, इसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आइंदा से जब कभी भी आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो या कभी भी कोई नेक काम करें तो खबरदार दिल में ये शुभा ना होने पाए पता नहीं ये कबूल होगा कि नहीं होगा। नहीं, ये तो हम कहेंगे कबूल होगा कि नहीं होगा, कबूल यकीनन होगा। ये अलग बात है कि हमें उसका एहसास हो चाहे ना हो, हम और हमारा इल्म ही क्या है, उसके देने के तो अंदाज ही कुछ निराले होते हैं मिया है? वो जैसे चाहता है देता है, जब चाहता देता है, जिस अंदाज में चाहता है देता है, वो कभी कभी तो ऐसे देता है कि पता ही नहीं लगता सब कुछ दे देता है, समझा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यकीन बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्त, उसकी बारगाह में जब भी आओ तो यकीन की दौलत लेकर के आओ, इसी का नाम है ईमान। और अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी को फरमाया है कि जब उससे कुछ मांगो तो पहले ये यकीन कर लो कि हम जो कुछ मांगेंगे वो उससे पाएंगे, और रसूल ने जो फरमाया है वो यकीनन सही है, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। जरा दूसरी पढ़ लीजिए, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا۔ بات آئے تھی ہے قبولیت کی، اور رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ علماء سے سنتے ہیں۔ मैं उन बातों को नहीं दोहराया मेरा था, मैं सिर्फ उस पर एक बात अब बताऊँ, देने का तरीका क्या और देने के मफादात क्या। एक सहाबी है, उनका नाम है हारिसा इब्ने नौमान रजी अल्लाह तआला, ये सहाबी हैं, ये बड़े खर्राज किस्म के थे, मगर ऐसे खर्राच नहीं थे जिसे हम आप, हम लोग तो अपने ऊपर न खर्च करते हैं, अपने फायदे के लिए ना खर्च करते तो खर्राच बोलते हैं, नहीं वो बड़े खर्राच थे, यानी गरीबों और मिस्कीनों की बेपनाह मदद किया करते थे,
और लुत्फ की बात ये कि जो कुछ भी वो खर्च करते थे देते थे वो कोशिश करते थे कि अपने हाथ से दे, तब ये एक उनकी अदा थी। हमेशा साहिल को अपने हाथ से दिया करते थे जो कुछ भी देना होता, तकाजाए हुआ, बुढ़ापा आया, आजा सन कमजोर हो गए, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होने लगी, मगर फिर भी उठ उठ के जाके खुद ही देते थे अपने हाथ। अब निगाह भी कल जाती रही, कमजोर हो गई, अब नजर भी नहीं कुछ आ रहा, तो उन्होंने ये किया कि जहां वो रहते थे वहां टोकरे में खजूर रख दिया और वहां से लेकर के बाहर के दरवाजे तक एक रस्सी बांध दिया। अब नाबीना हो चुके थे ना, तो रस्सी बांध दिया था, तो जब कोई साहिल वहां आए दरवाजे पर तो ये बिचारे हाथ में वो खजूर ले और उठे और उस रस्सी के सहारे पकड़ते हुए दरवाजे तक जाए और उसकी झोली में डाले। घर वालों ने पूछा, लड़कों ने पूछा, पोतों ने पूछा, वाले साहब, दादा, ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? अरे सब कुछ आप ही का है ना, ठीक है आप हमें इजाजत दे दीजिए, हम ले जाकर दे आया करेंगे, जब भी तो सवाब आपको मिलेगा ना। लेकिन मैं उस नजाकत को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो इस्लाम ने मसाइल में रखी है और जिसे वाकई सही तौर पर सहाबे किराम ने समझा है। हम तो किताबों में देख के बस चलो उल्टे सीधे मान लेते हैं ना, लेकिन सहाबे किराम थे जिन्होंने रसूलुल्लाह की जिंदगी से सबक हासिल किया, वो रसूलुल्लाह से सबक बराह रास्त हासिल करने वाले लोगों में से थे। तो उन्होंने जवाब दिया और कितना प्यारा जवाब, उनका बच्चों सही है लेकिन मैंने अपने आका से ये सुना है, वो फरमाते थे, वो फरमाते थे कि अपने हाथ से सदका और खैरात देने में, किसी गरीब और मिस्कीन की मदद करने में अपने हाथ से अगर आदमी करे तो वो बुरी मौत से महफूज रहेगा, मौत की सख्ती से महफूज रहेगा। सोचो जरा, वो सहाबे किराम थे जिनके बारे में कुरान गवाही दे रहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो खुद भी अल्लाह से राजी है, उनके डर का ये आलम और उनकी एहतियात का ये आलम कि चूंकि हमारे आका ने फरमाया है कि अगर अपने हाथ से हम सदका देंगे तो हम बुरी मौत से महफूज रहेंगे, इसलिए अपने आका के फरमान पर हम अमल करते। तो ये है रसूल की बात मानना। तो बात आई है मानने वाली और रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाली, तो एक बात और लगे तो कहना जो कहता चलो जरा मौजू से अलग तो है, ये याद आ गया। ये वाकया हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने बकर रजी अल्लाह तआला ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबू बकर यानी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहे, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के ये सौतेले भाई थे और हजरत असमा के सगे भाई। इनका एक वाकया है, गजवात में ये शरीफ हुआ करते थे जिहाद में, तो मुजाहिद जब मैदान जंग में है तो उसे हर किस्म की हालत पेश आ सकती है। कहते हैं कि जब ताइफ पे हमला हुआ है तो उस वक्त उनको एक तीर आके लगा और वो जख्मी हो गए। कुछ दिनों के बाद वो जख्म तो भर गया ऊपर से, अंदर कुछ रह गया। अब वो पकते पकते अंदर जहर पैदा हो गया। आज का जमाना तो था नहीं मछली खा वाला, उस जमाने में वो थोड़ा जहर बना टूटा और उसके बाद उसी में आपका विसार गया। मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत की,
क्या वसीयत थी? एक कफन का कपड़ा लेकर के उन्होंने रखा था उस जमाने से, कफन का कपड़ा अपनी कफन के लिए अपने लिए रखा था। लेकिन मरने से कुछ पहले उन्होंने वसीयत कर दी कि इससे मुझे कफन न पहनाएगी, मेरे लिए सफेद कपड़ा लाया जाए और उसमें मुझे कफन दिया जाए, इस चादर से कफन न। बात क्या आई सुनी। दरअसल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक यमनी चादर खरीदी थी जो धारीदार थी, और सरकार ने उसे अपने कफन के लिए रखा, उसे अपने कफन के लिए रखा था। लेकिन जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने मना फरमा दिया और आपने फरमाया कि इस चादर को रहने दो और मुझे सफेद कपड़े में मेरा कफन सफेद कपड़े का दिया। बात आई कि नहीं? वही चादर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबू बकर ने खरीद के रखा था अपने कफन के लिए कि हुजूर से इसकी निस्बत। लेकिन जब हुजूर ने उस धारीदार चादर का कफन पसंद नहीं फरमाया तो हजरत अब्दुल्ला ने भी मरते वक्त वसीयत कर दी कि इसमें मुझे कफन न दिया जाए, इसलिए कि अगर इस धारीदार कपड़े का कफन बेहतर होता और अच्छा होता तो सरकार इसे जरूर इस्तेमाल फरमाते, और उन्होंने नहीं इस्तेमाल फरमाया है, सादे कपड़े का कफन उन्होंने इस्तेमाल फरमाया है, लिहाजा मुझे भी सादे कपड़े में दफन। ये था सहाबा कराम का निजाम। जब तक उनके जहन में बात थी कि इसका कफन सरकार को पसंद है तब तक तो वो खामोश रहे, जब देखा कि उनको पसंद नहीं है तो हमको भी पसंद है। बात समझ आ रही है? और एक आजकल के हमारे कुछ खुद ये शेखुल इस्लाम बने फिरते थे, उन जनाजे की नमाज ही नहीं पढ़ते थे जब तक कि उस पर तीन रंग का कपड़ा न पड़ा। बताइए ना कि स्टेज पर सुन्नत की तबलीग है, रसूलुल्लाह की सुन्नत की तबलीग की जाए और उस सुन्नत को इस तरीके से मलियामेट किया जाए कि अगर तिरंगा कपड़ा ना हो तो जनाजा ही नहीं पड़ा जाए, ये क्या चीज है? मुनाफ़त नहीं है, है ना? अरे अगर तुम्हें वाकई रसूल से मोहब्बत है तो रसूल ने जो पसंद फरमाया है वो पसंद करो ना। ये क्या बात रही कि मिंबर पर कुछ है, घर में कुछ है, दुकान में कुछ है, मैदान में कुछ है, जबान पर कुछ है, दिल में कुछ है, इसे ईमान तो नहीं कहते? तो मैं ये अर्ज कर रहा था। अच्छा चलिए साहब, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके लाए उस बुद्ध को इल्तिजा करके जोर से पढ़िए अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम سيدنا وشفينا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا۔ دوسری بات، تو میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی پھر میں وہی لوٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب आप फरमा दीजिए कि ए मेरे गुलामों, अगर तुमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, ज्यादती की है तुमने, तो अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान हमें और आपको ये बढ़ावा दे रहा है कि चाहे जितने गुनाह करते जाओ तो माफी हो ही जाएगी, है क्या ये मतलब इसका है? नहीं, इसीलिए तो फरमाया है या इबादी, ए मेरे गुलाम। मतलब ये कि ये खुशखबरी उनके लिए है जो दामने मुस्तफा से वाबस्ता हैं, और दामने मुस्तफा से वाबस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहे और नारे रसालत या रसूलुल्लाह लगाते रहे तो हो गए पक्के मोमिन। आजकल हमारी कौम नारेबाजी में बहुत आगे है सर, या सिर्फ ये नारेबाजी से नहीं काम चलेगा,
और रसूल पर ईमान लाना है तो रसूल पर यूं ईमान लाओ कि उनके अहकाम पर अमल करो, उनके फरामीन पर अमल करो। वो जो कुछ हुक्म दे, कुरान कहता है ना, मा आता कुमर रसूल फखुजूहू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जो कहे उसे मान जाओ, और जिस चीज से वो मना फरमाए उससे बात करो। आजकल हमारे कुछ ये नए किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो बड़ी तनकीदें करते हैं, रसूल ने ये क्यों फरमाया, रसूल ने वो क्यों फरमाया, रसूल ने ऐसे क्यों कहा, रसूल ने वैसे क्यों कहा। क्यों? ये बदनसीबी है मेरे दोस्त। ये सही है, इस्लाम का कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो अकल के खिलाफ हो, लेकिन ये क्या हमारी और आपकी अकल में सब बातें आएंगी? अबे अकल भी तो वो चाहिए कि जो मसाइल को समझ सके। अच्छा एक बात बताओ, आजकल एक बीमारी और चली है जिसे देखो वो शैखुल इस्लाम मुफक्किर इस्लाम और जनाब वाला शैखुल तफसीर और क्या क्या होता चला जा रहा है। सही, अक्सर हम देखते हैं लोगों को, ए जनाब वो न तो चेहरा है मुसलमानों का, न सूरत मुसलमान किसी है, न सीरत मुसलमान किसी है, हैं? और बैठ के जनाब कुरान की तफसीर बयान फरमा रहे हैं। क्यों? वो कहां से कुरान की तफसीर उन्होंने सीखी है? मैं बताता हूं, वो मुस्तशरकीन से सीखी है। इसलिए अरबी आती नहीं, उर्दू तो आती नहीं सीधे उनको, है? तो ये जो कुछ सरमाया वो हासिल करते हैं वो मुस्तशरकीन से हासिल करते हैं, ईसाइयों और यहूदियों की लिखी हुई किताबों से हासिल करते हैं। अरे मियां दुख है उस इंसान पर जो अपना मजहब यहूदियों से सीखने जाए। बात बताओ ना, अपना मजहब अगर यहूदियों से कोई सीखे तो मुसलमान होगा? यहूदी तुम्हें मुसलमान का अगर बनाए तो खुद को नहीं मुसलमान हुआ? उनको तो इस्लाम पर एतराज करना है, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना है, और उन लोगों को जो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं उनके दिमाग में ये बात पैदा कर दी जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि तुम तो इस्लाम जो है वो एक ऐसा मजहब है कि जो अब इस नए दौर का साथ नहीं दे सकता। अरे भाई, तो सब चीज अगर नई हो गई है तो अपने माँ बाप को भी नया करना हो ना, बाप भी तो पुराना होगा तुम्हारा। देखिए मैंने कहा था बात अगर कुछ तल्ख हो जाए तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं कोई ऐसा है। मैं कहता हूं कि ये जो तुम कह रहे हो बार बार कि नए दौर में नए मसाइल होने चाहिए, नई तशरीहात होनी चाहिए, तो जरा अपने बाप को भी बदल के दिखा दो ना, वो भी बहुत पुराना हो गया होगा। और मेरे ख्याल में गालिबन यही चीज है कि जिसने हमारे कौम के नौजवानों को गुमराह कर रखा है कि अब वो माँ बाप को कोई हैसियत नहीं देती है ना। ये उधर ही से आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। देखो एक बात याद रखो, बहुत सी बातें ऐसी हैं वो मेरे भाई की जो महसूस नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर किया जा रहा। मसलन एक मिसाल दूं, एक आमिल साहब थे, मौलाना हाथ मिला के पूछ रहे हैं कि मौलाना खैरियत मजाज अच्छे हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुख पे रोना, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा, मगर नहीं मालूम के अंदर क्या। बहरहाल मैं बस अब मैंने बताया था ना, जैसे ही वो दाखिल होंगे मैं हट जाऊंगा, बस एक ये मिसाल दे करके रुख्सत होने की कोशिश करूंगा। जरा दूसरे पर लीजिए, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक अला सय्यिदिना व सुल्तान ومولانا محمد المعدن الجودي والكرم والي الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا। तो ये बता रहा था कि कोई आमिल साहब थे, तो एक उनका शागिर्द पहुंचा तो कोई अमल उसे
पूछने लगा कि साहब इसका अमल बता दीजिए, तस्वीर का अमल था। अरे पागल, ये तेरे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं हजरत, मैं जरूर सिखा दूंगा। नहीं, तेरे बस की है ही नहीं है, मैं सिखाऊंगा बिना मुझे तू परेशान होगा। नहीं नहीं, सिखा दीजिए जरूर। अच्छा साहब, अच्छा आ जाना, सिखा दीजिए। कुछ सब सिखा दिया, सब बता दिया, ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पढ़ते वक्त फला चीज का ख्याल ना आने पाए, एक किसी भी चीज का नाम ले ले उसका ख्याल ना आने पाए, बाकी पढ़ते रहे। बड़ा खुश हुआ है। अब वो जब वजू करके बैठे पढ़ने आधी रात को ना, और जब पढ़ने बैठे तो ये सोचने की यार फला चीज का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ख्याल आए कि नहीं आए, तो बोलो ना, आ गया ना। अब रात में पढ़ता रहे, बेकार गया कि नहीं उसका। तो उसको सिखाने को तो सिखा दिया उन्होंने, और ये सीखने वाला भी समझ गया कि बस उस्ताद ने मुझे बता दिया, अब मुझे अमल करना चाहिए। अब वो ख्याल करके कि वो उसका ख्याल ना आने पाए और फिर पढ़ना शुरू कर देता। अब जाहिर की जिंदगी भर रखता रहे वो नहीं है, है ना मेरे भाई। सुनो, आजकल यही बला चली है हमारे अंदर घुसी हुई है। यहूदियत और नसरानियत बड़े ही दबे पांव हमारे अंदर दाखिल हुई। अभी जब मैं चाँद की बात कर रहा था ना, ईद और बकरीद की बात कर रहा था ना, बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारी कौम को उन्होंने इस रूप पर मोड़ दिया है कि अब तुम रोजा रखते रहो तो नमाज पढ़ते रहो, ना नमाज होगा नमाज होगी ना रोजा होगा, इसलिए कि तुमको रसूल से हमने हटा दिया, रसूल के अहकाम से तुमको हटा करके अब हमने अपने रास्ते पर लगा लिया, ठीक है अब करते रहो। ऐसे ही नमाज का मसला ले लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई नमाज पढ़ो तो मगर रसूल का ख्याल ना आने पाए। अरे बेवकूफ, तो जब तुमने कह दिया तो कहीं पे कहेगा, इसका मतलब जब जिंदगी भर हम नमाजों में पढ़े। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों के हमें इन सब बलाओं से महफूज रहने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कुछ कहना था लेकिन अब आपसे रुख्सत हो रहा हूँ, बाकी बातें अगर सुननी होंगी तो जुमे में आइएगा तो सुना देंगे इंशाअल्लाह।